आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ चेल्सी सिंह। ज्योतिष विज्ञान के विशेष कार्यक्रम नक्षत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, हमारे शास्त्रों में ज्योतिष का बहुत बड़ा महत्व रहा है। ग्रहों और नक्षत्रों का व्यवहार आपके जीवन को प्रतिकूल और अनुकूल बनाता है और इन्हीं ग्रहों और नक्षत्रों की दिशा को आपके जीवन में सरल और अनुकूल बनाने का काम करता है ज्योतिष विज्ञान। ज्योतिष आपके भौतिक जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का निदान है और उसी को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य डॉक्टर आचार्य मनोज नैया जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। सारी जानकारी आप तक पहुंचाने वाले हैं, आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम नक्षत्र। आज उस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे आज का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज क्या करें और क्या ना करें, आपका लकी नंबर क्या है, साथ ही साथ कैसा होगा आपके भाग्य का मीटर, उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। और साथ ही आज यहाँ पर हम बात करने वाले हैं श्रवण नक्षत्र के बारे में, बहुत सारी जानकारी पहुंचाने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के राशिफल को लेकर, जो कि हैं पहली चार राशियां मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क। और आचार्य जी से जानेंगे इन चार राशियों का आज का राशिफल। मेष राशि वाले, आज का दिन बेहद शुभ है। परिवार में मान सम्मान और आपस में खुशियां आ जाएंगी। गौ माता की सेवा करना आज विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 9 और भाग्य का मीटर आज 70% आपको सहयोग करेगा। वृषभ राशि वाले, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं, उन्हें कोई विशेष उपलब्धि आज प्राप्त होगी। विद्यार्थियों के लिए आज कुछ भी करेंगे तो सफलता मिलना तय है। माँ सरस्वती की आज आराधना करें। भाग्यशाली संख्या है 1 और भाग्य का मीटर आज 70% आपको सहयोग करेगा। मिथुन राशि वाले, आज बेकार के वाद विवाद में बिल्कुल मत फंसें, अपने पर संयम बनाए रखें। भगवान दत्तात्रेय की पूजा करना विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर आज केवल 40% सहयोग करेगा। कर्क राशि वाले, आज ऑफिस में सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाकर चलें, अन्यथा कोई विवाद उत्पन्न हो जाएगा। मां लक्ष्मी की आराधना करना विशेष फलकारी है। आज धन का भी लाभ होगा। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर आज 50% सहयोग करेगा। बिल्कुल, यहाँ आचार्य जी ने पहली चार राशियों के बारे में बताया, उनका आज का राशिफल बताया। लेकिन दर्शकों, अगर आप लोगों के कोई सवाल है किसी भी प्रकार के, वो आप यहाँ पूछना चाहते हैं, आचार्य जी से संपर्क करना चाहते हैं, कुंडली दिखवाना चाहते हैं, या किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी है, तो आप यहाँ पर आचार्य जी से संपर्क करने के लिए आपके टीवी स्क्रीन पर मेल आईडी फ्लैश हो रही है, इसी मेल आईडी पर आप मेल कर सकते हैं। जो भी आपकी डिटेल्स हैं वो भेज करके आप अपना सवाल भेज सकते हैं। और यहाँ आचार्य जी आपको ऐसे ऐसे उपचार बताते हैं जो बहुत ही सिंपल और सटीक होते हैं, जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी बड़ी बड़ी समस्याओं के लिए निदान पाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। आचार्य जी, हमारे पास कुछ मेल आए हैं, उनमें से हम यहाँ पर लेना चाहेंगे। आपको बता दें जी। आदित्य हैं, जो कि लखनऊ से हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 29 अक्टूबर 2008 और समय है 3:30 बजे शाम का। इनका प्रश्न है, मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, फ्यूचर में मुझे किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए, यह इनका सवाल है। आइए इनकी कुंडली पर चलते हैं। इनकी जो कुंडली है वो है मीन लगन और तुला राशि की, और इन्होंने अपने करियर संबंधित पूछा है कि किस करियर में ये जाएंगे या इनको जाना चाहिए। इनके दशम भाव को हम देखें तो वहाँ पर धनु राशि उदित होती है, जिसके स्वामी हैं बृहस्पति। देव गुरु बृहस्पति स्वयं दशम भाव पर विराजमान होकर हंस राजयोग की उत्पत्ति कर रहे हैं। हंस राजयोग के लोग बहुत अच्छी विद्या लेते हैं, IPS IAS तक बनते हैं। इनको शिक्षा के क्षेत्र में आगे जाना चाहिए। आपकी कुंडली में आप अच्छे प्रोफेसर बन सकते हैं, अच्छे वक्ता बन सकते हैं, कोई इंस्टीट्यूट में आप बड़ी पद पर जा सकते हैं। आप शिक्षा के क्षेत्र में ही आगे बढ़ें या फिर मैनेजमेंट फील्ड में जाएँ, दोनों ही फील्ड आपके लिए बेहद शुभ है और आपका कैरियर बेहद शुभ है आने वाले समय में। और गुरु की महादशा से भी आप गुजर रहे हैं, निश्चित ही बड़ी सफलता जीवन में प्राप्त होगी। साथ साथ एक उपाय और करें, एक मोती रत्न आप धारण करें।
बिल्कुल आदित्य, आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ आचार्य जी ने आपको जो भी फील्ड्स बताई हैं वो आपके लिए एकदम सही हैं। अगर आप चाहते हैं उसमें अप्लाई करना तो आप कर सकते हैं। आगे बात करेंगे सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक राशियों को लेकर और आचार्य जी से जानेंगे इन चार राशियों का आज का राशिफल। सिंह राशि वाले, आज कोई बड़ा वाद विवाद उत्पन्न हो जाएगा और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे, इसलिए बेहद संयम रखने की जरूरत है। भाग्यशाली संख्या है 8 और भाग्य का मीटर आज केवल 50% आपको सहयोग कर रहा है। कन्या राशि वाले, आज आप किसी की भी कार्य को करेंगे तो बड़ी सफलता आपको पूरी होगी। कोई पुरानी मनोकामना भी आज आपकी पूरी हो सकती है। केले के वृक्ष की आज पूजा करें। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर आज 80% आपको सहयोग करेगा। तुला राशि वाले विद्यार्थियों को आज कुछ मानसिक परेशानी उत्पन्न हो सकती है, लेकिन गौ माता की सेवा करने से इससे मुक्ति भी प्राप्त होगी, आज इसका प्रयास करें। भाग्यशाली संख्या है 4 और भाग्य का मीटर आज 60% आपको सहयोग करेगा। वृश्चिक राशि वाले, आज परिवार में विशेषकर अपने पिता से अनबन से बचें, अन्यथा आपको आज नुकसान उठाना पड़ेगा। किसी निर्धन को वस्त्र देना आज विशेष फलकारी है। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर आज 50% सहयोग करेगा। आज नक्षत्र की सीरीज में हम बात करेंगे जो कि आखिरी नक्षत्र है, और हम बात करेंगे श्रवण नक्षत्र के बारे में। आचार्य जी, आज हम आपसे श्रवण नक्षत्र के बारे में सवाल पूछना चाहते हैं। जो श्रवण नक्षत्र के जो जातक होते हैं, इनकी विशेषताएं कैसी होती हैं और इनकी जो जीवन शैली है उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी धन्यवाद चेल्सी जी। नक्षत्र सीरीज में आज हम बात करेंगे श्रावण नक्षत्र के बारे में, कैसे होते हैं श्रावण नक्षत्र के लोग। इन पर चंद्रमा का विशेष प्रभाव होता है। ये लोग स्वभाव से काफ़ी मृदुभाषी होते हैं। इन्हें अपने जीवन में नए मूल्य स्थापित करने की कला आती है। ये बहुत अडिग होते हैं, किसी के कहने के बावजूद अपने मूल्यों को बदलते नहीं हैं, ना ही उनकी अनदेखी करते हैं। ये जातक अपने मायनों में बहुत अलग होते हैं। ये लोग अपने आसपास बहुत सफाई पसंद होते हैं। साथ साथ उनकी विशेषता ये होती है कि जो भी निर्णय लेते हैं उसे पूरा कर कर ही छोड़ते हैं। श्रावण नक्षत्र के लोग दूसरों के लिए बहुत मददगार साबित होते हैं, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हैं। जहाँ तक इनके करियर की बात है तो 30 वर्ष की आयु तक इनके करियर में परिवर्तन होता है। उसके बाद ये नियमित रूप से जो कार्य करते हैं उसमें आगे बढ़ जाते हैं। इनके पास कोई स्थिर पेशा तो जीवन में नहीं रह पाता, लेकिन जो भी काम करते हैं उसमें इन्हें सफलताएँ मिलती रहती हैं और ये जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं, लेकिन 45 वर्ष की आयु तक। ये कोई स्थिर कार्य नहीं कर पाते, लेकिन तकनीकी ज्ञान इनके पास बहुत होता है। आयात निर्यात के कार्य या विदेश संबंधित कार्यों में इन्हें बड़े लाभ मिलते हैं, या विदेश में जाकर भी अपना कैरियर बनाते हैं। ये अपने कामकाजी और निजी जीवन को हमेशा अलग ही रखते हैं, उसमें संतुलन बनाए रखते हैं। जहाँ तक इनके वैवाहिक जीवन की बात है तो आमतौर पर खुशहाल होता है। इनकी पत्नी भी बहुत दयालु स्वभाव की होती है। अक्सर ये आपस में इनका प्रेम हमेशा बढ़ता है और जीवन के अंत तक ये एक दूसरे के साथ अपने प्रेम में ही रहते हैं। आगे हम अगर इनके स्वास्थ्य के बारे में आपको बताएं तो श्रावण नक्षत्र के लोगों को कान की तकलीफ की शिकायत अक्सर आती है और त्वचा रोग की शिकायत होती है। इनका मन भी जल्दी व्यवस्थित हो जाता है और इनको विशेष ध्यान अपने पाचन तंत्र का रखना चाहिए। अगर ये समस्या इनकी उत्पन्न होती है तो ये गंभीर रूप ले लेती है, इस चीज़ का इन्हें विशेष ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। तो यहाँ आचार्य जी ने श्रवण नक्षत्र के बारे में बताया, कैसे होते हैं जातक वो बताया, उनकी विशेषताओं के बारे में भी बताया। आगे बात करेंगे दर्शकों धनु, मकर, कुंभ और मीन राशियों को लेकर जो कि आखिरी चार राशियाँ हैं, और आचार्य जी से जानेंगे इन चार राशियों का आज का राशिफल। धनु राशि वाले, आज बिजनेस में कोई नया इन्वेस्टमेंट ना करें, अन्यथा वो पैसा लौट कर नहीं आएगा, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। माँ वैभव लक्ष्मी की आराधना करें। भाग्यशाली संख्या है 6 और भाग्य का मीटर आज केवल 40% सहयोग करेगा। मकर राशि वाले, आज आपका आर्थिक पक्ष बहुत मजबूत रहेगा। व्यापारियों को आज बड़े धन लाभ का योग है। विष्णु सहस्रनाम का आज पाठ करें। भाग्यशाली संख्या है 5 और भाग्य का मीटर आज 90% सहयोग करेगा। कुंभ राशि वाले, जो लोग
किसी प्रतियोगिता में आज बैठेंगे उसमें उनको सफलता प्राप्त होगी, कोई नया कार्य यदि आज करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता और शुभता प्राप्त होगी। भगवान विष्णु की आराधना करें। भाग्यशाली संख्या है 6 और भाग्य का मीटर आज 80% सहयोग करेगा। मीन राशि वाले, आज भाग्य आपका प्रबल है। राजनीतिक लोगों के लिए आज बड़ी उनको उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। गणपति जी की आज आराधना करें। भाग्यशाली संख्या है 9 और भाग्य का मीटर आज 80% आपको सहयोग करेगा। तो आखिरी 4 राशियों के बाद अब बात करेंगे बर्थडे टिप्स में। जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए? जिनका भी आज जन्मदिन है उन्हें हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज भगवान गणेश को लड्डुओं का भोग लगाएं, यथाशक्ति उन लड्डुओं को गरीबों में बांटें, उनका आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करेंगे तो पूरा वर्ष सफलताएं और खुशियां आपको प्राप्त होंगी। और मैरिज एनिवर्सरी टिप्स में बात करेंगे। जिनकी भी आज शादी की सालगिरह है उन्हें कौन से टिप्स फॉलो करने चाहिए? जिनकी भी शादी की सालगिरह है दोनों पति पत्नी को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज माँ दुर्गा को श्रृंगार का सामान भेंट करके माँ का आशीर्वाद लें। यदि ऐसा करेंगे तो दोनों का प्रेम आपस में बढ़ेगा, परिवार में खुशी आएंगी और जीवन में सुमंगल ही सुमंगल होगा। एवॉइड ऑफ द डे में बात करेंगे। आज के दिन आपको कौन सी चीज एवॉइड करनी है? एवॉइड ऑफ द डे में आज के दिन हमें नारियल का प्रयोग नहीं करना है, ये हमारे लिए नेष्टकारी है। और टिप ऑफ द डे में बात करेंगे कुछ ऐसी टिप जो आप सभी लोगों के लिए लाभदायक साबित होगी। टिप ऑफ द डे में आज नेत्रहीन व्यक्तियों को अन्न और धन का दान कर जो भी उनका आशीर्वाद लेंगे उनका पूरा दिन बहुत ही योगकारी, मंगलकारी और कल्याणकारी गुजरेगा। बिल्कुल, इसी के साथ ही दर्शकों समय हो गया आपसे विदा लेने का। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद चेल्सी जी आपका। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक प्रणाम। भारत एक्सप्रेस के सभी दर्शकों का शुक्रिया लगातार हमारे साथ बने रहने के लिए, इतना प्यार और सहयोग के लिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, कल फिर जानेंगे आपका भविष्य और आपका राशिफल। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।